भारत और बांग्लादेश के बीच आज शुक्रवार से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में शुरू होने वाला टेस्ट मैच कई मायनों में खास है। यह सीरीज का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच है जो डे नाइट फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत और बांग्लादेश दोनों ही टीमें अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेलने उतरेंगी जो पिंक बॉल से खेला जाएगा। देश में ऐसा पहली बार है कि कोई टेस्ट मैच पिंक बॉल से डे नाइट फॉर्मेट में होगा। मैच दिन में 1 बजे शुरू होकर रात तक खेला जाएगा। डे नाइट टेस्ट मैचों के आयोजन का मकसद टेस्ट क्रिकेट को नया क्लेवर और ज़्यादा दर्शक देना था। इससे जो क्रिकेट फैंस और आम लोग मैच देखना चाहते हैं वे दिन में अपना काम खत्म कर भी स्टेडियम आ सकते हैं। टेस्ट मैच में कम दर्शक होने का मुद्दा विराट कोहली भी उठा चुके हैं। पीले और ऑरेंज रंग की गेंदों के साथ कई तरह के ट्रायल और जांच के बाद पाया गया कि इसमें काफ़ी कमियां हैं। इतना ही नहीं, टीवी कैमरा भी इस तरह के रंग की गेंदों को अच्छे से दिखा नहीं सके। फिर फैसला किया गया कि पिंक बॉल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे बनती है पिंक गेंद। गुलाबी गेंदें शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक हाथ से ही तैयार की जाती हैं, जिसमें कॉर्क, रबड़ और सिलाई के लिए ऊनी धागे का इस्तेमाल होता है। इसमें किसी तरह की कोई मशीन की मदद नहीं ली जाती और ना ही इसे ग्रीस में डुबोया जाता है। गुलाबी रंग का चमड़ा तैयार करने में ही 10 दिन लग जाते हैं। इसके बाद लाल गेंद की तर्ज पर ही इसे यह गुलाबी गेंद भी तैयार होती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस टेस्ट मैच के लिए SG कंपनी की पिंक बॉल को चुना है, जो दिलीप ट्रॉफी मैच भारत में पिंक बॉल से खेले गए थे उनमें कुकाबुरा गेंदों का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार SG कंपनी की पिंक बॉल टेस्ट मैच में इस्तेमाल की जाएगी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।